बिटिया के हो का हो रहा है। अभी देखते हैं आप मेरे सर्कल में। इतनी रस्मी भी बोल सकते हैं, तो वैसे ही ग्लो दे रही है। यहाँ पे मेरे भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं मुझे। और नाम सोच रहे थे भैया का, मिथुन है ना। हाँ। चलो नाम से ही बोला। भैया ने अपनी कार धुलवाई है और इसी खुशी में काजल सैंडविच खा रही। बता रही कि जब एमआई जाती है तो मुझे बड़ा वो लगता है। हाँ सही बात है भैया। टेंशन इसलिए रहता है ना कि व्यू जैसे कि अभी इतना डाउन चल रहा है ना कि मतलब लग रहा है कुछ दिनों में ईएमआई भी भरना मुश्किल हो जाएगा। चैनल ना ये यूट्यूब तो यही है, अगर चैनल चल जाए तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होती है। तो विजय भैया यहाँ पे तैयार होने के लिए ड्रेस वगैरह निकाल रहे हैं अपनी। गिफ्ट दिखा दिए, दो गिफ्ट था जो हमने पैक करा लिया और गाड़ी को एकदम चमका के लाए हैं। दो एक दिन स्टे करके आएंगे लखनऊ में, रुके रात लखनऊ में। हम हैं कहाँ पे? लखनऊ में आप जहाँ बताइए कहाँ पे हैं आप? हम लोग वहाँ पे गोमती नगर। वहाँ पे कहाँ रुकेंगे? वहीं पे आसपास में भैया रहते हैं। अच्छा अच्छा, गोमती नगर वही लखनऊ से ही हम आए हैं। हाँ लुल्लू मॉल देखा। हाँ लुल्लू मॉल देखा है। घूमने जा रहे हैं आप लोग लुल्लू मॉल? घूम लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हो चले साथ में, इस व्लॉग को पक्का ना, फिर हम टिकट नहीं कराते हैं, लुल्लू मॉल घूमते हैं। अभी हम लोग रेडी होंगे, सभी लोग रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग अब रेडी होंगे। हम गिफ्ट पैक कराने चले गए, लेट हो गए अरे यार सबसे ज्यादा मुझे सीधी लगती है, बिल्कुल भी नहीं बोल रही है ना दी। तो आपको दिखेगा आज का फाइनल लुक। हाँ पर बहुत ही अच्छी है। दिखाएंगे आज मेरे को लग रहा है तीन पार्टी। विजय भैया लगे पड़े हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या पहन रहा है। हाँ इस पार्टी का देखिए क्या। अच्छा अभी नहाएंगे फिर तैयार होंगे। फ्रेंड अभी देखिए ये दीदी जी कपड़ा पहना रही है रिया जी को, क्योंकि मैं पहना पहना कर थक गई हूँ इसीलिए। बाकी मैं बाल बाल बना देती हूँ। ऐसे लटका के अपने जैसे कर दीजिए ना, अच्छा लगेगा। इनके भी साड़ी का बॉर्डर पर काम है। हाँ हैवी है और थोड़ा सा ये वाला ठीक कर दीजिएगा, मैंने खोसा था चुन्नी के पास। हाँ वो ठीक नहीं लगा। हाँ ये क्या सब सूट हो रहा है? क्या हो गया? मानसी का ड्रेस वाला आई है ना, एक दो दो। ए हम कौन सा पहने इसका रिमोट तो मतलब इतना स्वाद में खाइए कि भूख लग जाए। मेरे को भूख लगा है, तभी मैंने मैं वहां चली गई थी ना मेकअप करने, वो कोई बोल ही रही थी कि मेरे से मैं भी आ जाऊंगा। मेकअप कौन किया आपका? खुद किए। खुद किए? मैं भी खुद ही करूंगी बस 20। हाँ 20 में पूछ लूंगी। तब सही है, हल्का हल्का साड़ी हम लोगों का। ये तैयार ही नहीं हो रही, इनका सामान सारा नीचे भैया गए लेके आ रहे हैं। और मिस्टी इतनी भूखी है कि पूछो मत। मिस्टी की हम मेकअप करते करते भूख लग गई मिस्टी को। कहाँ किसी और का किया है क्या? किसका? जिया। अच्छा अच्छा, जिया तैयार हो गई। और पूजा तैयार होके बैठ चुकी हूँ, अब बोर हो रहे हैं। गाइस रश्मि मेरा बाल बन रही है, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल में नहीं आता। मेकअप तो मैं कर लेती हूँ, मेकअप तो बहुत अच्छा करती बट हेयर स्टाइल मेरे को उतना नहीं आता है, मतलब मेरे को आता ही नहीं है हेयर स्टाइल। तो अभी बन रही है मेरे बाल, अभी देखते हैं अगर सही लगेगा तो रखेंगे ना, फिर खोल देंगे। नहीं अच्छा रहेगा, बट ना मैं ये सोच रहा हूँ ये पूरे बाल लेके ऐसे करके तो फिर वो अच्छे नहीं लगेगा ना, आगे से सादा सादा लगेगा। अच्छा तो जो ठीक है आप करो। हाँ आप करो, मैं देखती हूँ। कौन? हम बोले। कौन? अरे हम बोले। नहीं जानती काजल दे दो वो रबर। ए मिस्टी तुम क्या कर रही हो? मैं बाल बनवा रही हूँ अपने। बाकी जेंट्स लोग कहाँ गया? क्या जेंट्स लोग कहाँ गए? वो नीचे है, आप मेरे सर्कल में। मिथुनवा का आप मेरे सर्कल में आ रहे हो? आया कि नहीं ये देखो, आप मेरे सर्कल में आ रहे हो। टेंगे टेंगे सुबह से भी टेंगे टेंगे।
तो गाइस बताना कैसा लग रहा है, अभी मैं देखूंगी तब मैं आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। तो अभी बताइएगा आप लोग कनिका की हेयर स्टाइल कैसी लग रही है, इसको अभी बहुत जल्दी अच्छा बन गया ना, अच्छा लग रहा है कनिका को, तो मुझे भी अच्छा लगा कि उसे अच्छा लगा। और अभी वो रिया जी का मेकअप कर रही हैं। रिया जी जो है वो फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है मेकअप करवा रही है। हाँ, अच्छा तो थोड़ा अच्छे से मेकअप करना बनता है। बिल्कुल आज मैंने इनके इंस्टाग्राम के बहुत अच्छे से वीडियोस देखी है। नहीं मैं मतलब ना मेकअप, मैंने मेकअप पता है कैसे सीखा है, मुझे मेकअप स्कूल टाइम में थी ना उस टाइम मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, सिर्फ मुझे एक आता था आईलाइनर लगाना, उस टाइम से अभी तक मुझे आईलाइनर आता है, वो भी मेरी दीदी थी बड़ी दीदी वो लगाती थी, तो मैं बोलती थी कैसे लगाते हो मुझे भी सिखा दो, तो कभी सिखाया ही नहीं और अपने आप मुझे आ गया। देखते देखते आ गया आपको बाकी पूरा मेकअप यूट्यूब से कि अपने मन से पूरा मेकअप। फिर मैंने बाद में जब मेरी शादी हो गई ना तो एक साल मतलब मैं ऐसे थोड़ा बहुत यूट्यूब में देख देख के सीखती गई खुद से मतलब घर पे। अच्छा फिर आ गया, पहले तो क्या ये भी नहीं पता था कि प्राइमर वगैरह भी होता है। हाँ। फाउंडेशन होता है, पहले आपने प्राइमर लगा होगा फिर फाउंडेशन। हाँ, फिर कंसीलर। हाँ कंसीलर अभी लगाऊंगी। अच्छा लास्ट में तो यहाँ पे क्या था, पहले स्कूल टाइम में आईलाइनर लगा लो लिप बाम लगा लो बस हो गया। तो गाइस सभी लोग मेकअप ट्यूटोरियल शूट करें, मैंने मेकअप नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ, बस लिपस्टिक बिंदी लगा के काम निपटा लीजिएगा। अच्छे से शूट करने का पीछे से अभी मेकअप करना बचा है इसलिए फेस नहीं दिख रहा। उस दिन बिगाड़ लिया था काजल ने मेकअप, फिर मैंने उसको दोबारा से ठीक किया। ठीक है अब रिया जी तैयार हो जाती हैं फिर हम मिलते हैं, तब तक हम देख के आए हैं वो कहाँ गए। अच्छा अच्छा उनका नाम पूजा है, पूजा रुद्र। यहाँ पे मेरे भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं मुझे। आपका भी चैनल है, क्या नाम है आपके चैनल का? संदीप सुलेखा नाम से। अच्छा संदीप सुलेखा नाम से इनका चैनल, और मेरा नाम है ग्लो गर्ल रश्मि, मेरे चैनल का नाम है ग्लो GLOW GIRL गर्ल रश्मि। सबसे पहले कुछ लगाया काजल? प्राइमर। अच्छा प्राइमर के लिए ये लैक्मे का क्रीम यूज किया है? लैक्मे का ही प्राइमर है ये। अच्छा और ये है स्ट्रोक क्रीम जो कि ग्लो देता है चेहरे पे। लेकिन मेरा नाम ग्लोगल रश्मि तो वैसे ही ग्लो दे रही है। बहुत तगड़ी पुताई हो रही है काजल के चेहरे पे। काली नहीं, नहीं काली तो नहीं है, इसलिए व्हाइट वाला। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते। हाँ जो जितना बोलता ना उतना हो जाता है पता है, रियली में इंसान तो सारे कलर के होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन कहना नहीं चाहिए अपनी मर्जी से कि हम काले हैं। इसलिए मैं लगा रही थी कि हाँ जैसा वो पानी। चलिए मैंने अब देख रही है। अच्छा कौन लग रहा है, मानसी है काजल? जा क्या बोल दिया, जल्दी बोलो। मम्मा अच्छी लग रही कि बाबू? अरे तुम अच्छी लग रही हो कि मम्मा? मम्मी अच्छी लग रही है। हाँ ये बात तो सही है।
मानसी ज्यादा सुंदर है मम्मा से, है ना? मानसी का फ्रॉक अच्छा। और ये मानसी की पूरी ड्रेस है। मानसी पीछे जाना, घूम के दिखा दो। एक्चुअली मैं खुद को देख रही थी और मैं सोच रही थी काश मुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप करना आता, बट मेरे पास टाइम नहीं यार मेकअप सीखने का। मैं कोशिश करूँगी जॉब लगने के बाद, अभी मुझे इस साल जॉब के लिए देना है और मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला। आप कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाओ बट कहीं ना कहीं दिमाग में एक वो तो रहता है यार मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे जॉब चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। और अंकुश भाई ने बहुत ज़्यादा कहा था तो मैं मना भी नहीं कर पाई, फिर छोटी सी बच्ची को लेकर ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमने कहा चलो ठीक है अब देखते हैं, भैया ने इतना बोला है तो चले ही चलते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आई, सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्यारे प्यारे सभी लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर उसमें से कुछ लोगों के नाम तो मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोग सही हो या नहीं। एक्चुअली जब सृष्टि दी तैयार हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, और मैं तो सोच रही थी कि अभी आलस में तैयार होंगी और ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं सच बताऊँ 15-20 मिनट में तैयार हो चुकी थी और उसके बाद जो मुझे मेहनत लगी साड़ी पहनने में, बट फिर मुझे लग रहा है अरे मैं तो सबसे पहले तैयार हो चुकी, मैंने तो कुछ करा ही नहीं था और सभी लोग अभी तैयार होते जा रहे थे, तो मैं सभी के साथ बैठ के बस टाइम पास कर रही थी, बातें कर रही थी और सभी यूट्यूबर से एक्सपीरियंस ले रही थी कि ऐसे क्या करना है। इतने सारे लोग मिलते हैं ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है आपको, जिनमें से मुझे मिस्टी का और काजल का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन लोगों से मेरी बहुत ही अच्छी वाली दोस्ती हो चुकी है। साथ में विजय भैया भी बहुत अच्छे हैं और रिया जी तो जितनी सीधी है ना शायद ही मैंने इतना सीधा कोई यूट्यूबर को देखा होगा, वो मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। रुको 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 रुक जाओ और हिलना नहीं, आंखें बंद करो, तुम्हें खराब करोगे अब, फिर मुंह ही धुलाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है भैया, थोड़ा सब्र रखिए, जरा हंसाए पड़े नहीं वो खराब हो जाता नहीं, हाँ फिर बेकार हो जाएगा पूरा, मेहनत बर्बाद हो जाती है। हेलो मैं सोच रही थी ऐसे कर कर तुम इधर आओ मैंने मिस्टेक लगा रहे, अगर जब मैं ऐसे डरा दिया एकदम शांति से लगा रहे थे, अगर मैं ऐसे कर देती हाँ कितना डेंजर डर थी, फिर से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। देखो तो ठीक है, आपको कौन ड्रेस लगाया था? अच्छा कर दिया, तो मानसी का क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाल कौन बनाया था? ठीक है तो चलिए काजल का मेकअप हो लेते हैं कंप्लीट, तब तक आप सब बने रहिए हमारे साथ। और मेकअप करा रही हैं कौन, ये किसी नाम का तो मोहताज, क्या कहते हैं, किसी नाम का मोहताज नहीं है, इनका नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, कनिका भूषण है ये। आई क्यों हिला दिया, फिर हिल गया, फिर हिल गया, आप ये हिलने ऐसे नहीं बोला बेटा, ये कह रही है कनिका। ओके तो सिस्टर जी तैयार हो चुकी हैं यहाँ पे और दीदी भी तैयार हो चुकी हैं, अभी रील्स के लिए गाना सर्च किया जा रहा है, सेलेक्ट कर, ये सिलेक्शन बड़ा प्रॉब्लम देता है। रेडी हो रहा पार्टी के लिए, आप लोग देखेंगे पिछले वीडियो के सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे और हम लोग भी मस्त अभी रेडी हो रहे हैं, सभी लोग तैयार हो रहे हैं। बोलिए जी दोस्तों को कपल लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा, कपल लाइव ब्लॉग आज हम निपल रुका चलिए सब लोग को सब लोग देखते हैं, तेरी आंखें मेरा चेहरा, कॉपीराइट नहीं आएगा ना भैया इतने गाने से। तो अभी काजल पहने कानावा के बोलिया, कानावा के लोलिया, अखिया के हो काजल, हमने काजल नहीं लगाया, नाम ही काजल है। हेलो दोस्तों आप सभी को स्वागत है किशोरी न्यू ब्लॉग्स में, और सभी लोग रेडी हो रहे हैं दोस्तों पार्टी के लिए, देखिए इधर सभी रेडी हो रहे हैं, इधर भैया है मतलब रेडी करने में लगे हुए हैं और वो पता नहीं कुछ पूछ के करवा रहे हैं। मेरा क्या नाम? मितुल भाई, कपल लाइव ब्लॉग्स नाम है, सभी लोग जरूर और सभी लोग रेडी,
करने तो दीजिए। तो सभी लोग रेडी हो रहे, रिया जी भी आज रेडी हुए हैं। मतलब ये क्या कहते हैं वो नाम थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ग्लोबल रश्मि बोली है, रश्मि जी भी तैयार हो चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, रश्मि भी बोल सकते हैं। काजल का नया नया आज कान छेदा है मैंने। हाँ कान छेदा रस्म हो गया मेरा। बस अब काजल लिपस्टिक लगाया तो काजल बहुत ही प्यारी लग रही है, बस लिपस्टिक और बिंदी इतना सिंदूर भी लग जाएगा तो थोड़ा भर जाएगा चेहरा। बचा है अभी तो लिपस्टिक लगाना है, बिंदी लगाना है, ये भी अंकुश भैया के सब्सक्राइबर है, रायबरेली से आई है। रायबरेली से कौन है, सृष्टि दी है ना। सो गाइस आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। फटाफट से कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है।